हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक जर्मन शेफर्ड के प्राइस के बारे में और उनकी डिटेल के बारे में। आपको जो रेगुलर जो ब्लैक एंड टेन कलर के जर्मन शेफर्ड तो आपको देखने को मिलेंगे, बट उसके साथ साथ जो ब्लैक जर्मन शेफर्ड और जो व्हाइट कलर के जर्मन शेफर्ड होते हैं वो आपको रेयर केस में देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अभी जर्मन शेफर्ड की पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और उसी के साथ साथ जो जर्मन शेफर्ड ब्लैक और व्हाइट आते हैं, पूरे जो प्योर व्हाइट और ब्लैक बोल सकते हैं, उनकी पॉपुलरिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और लोग की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। उसके कारण इसका प्राइस जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूर है। इन फ्यूचर अगर आप लेते हो या कोई कहीं देखते हो तो आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। और जो आपको बता दूं, जैसे कि ब्लैक एंड टेन कलर के जो रेगुलर आपको जर्मन शेफर्ड देखने को मिलते हैं वो भी जर्मनी से, और जो प्योर आप बोल सकते हैं वाइट और ब्लैक आपको देखने को मिलते हैं फुल, उनका भी जो ओरिजिन जर्मनी से है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि अलग अलग ब्रीड है, तो ऐसा नहीं है। पिछले कुछ समय में जैसे ब्लैक एंड जर्मन शेफर्ड जो रेगुलर बेस में आप देखते हो, उनको एज अ अब गार्ड डॉग की तरह ये लोग ट्रीट करते थे, रखते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। बट जो ब्लैक कलर के जर्मन शेफर्ड होते हैं या फिर जो वाइट कलर के होते हैं, उनको एज अ वर्किंग डॉग ब्रीड के हिसाब से रखा जाता था। इंडिया में ब्लैक जर्मन शेफर्ड प्योर और वाइट जर्मन शेफर्ड प्योर का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और इन डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है, और उसके साथ साथ इन डॉग ब्रीड को डॉग शोज में काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इनाम भी ये डॉग ब्रीड जीत लेते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि इन डॉग ब्रीड का जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो गाइस, इनकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको दो कैटेगरी देखने को मिलेगी, एक पेट क्वालिटी और एक शो क्वालिटी। तो पेट क्वालिटी में जो ब्लैक जर्मन शेफर्ड होते हैं उनका सिंगल कोट की प्राइस की बात करूँ तो उनका जो सिंगल कोट मेल में होता है वो 15,000 से चालू होके 20,000 तक जा सकता है, और जो फीमेल का होता है जो 12,000 से लेकर 18,000 के बीच में जाता है। और जो डबल कोट की बात करें तो मेल में होता है उनका प्राइस जो 18,000 से लेकर 30,000 तक चला जाता है, और फीमेल में होता है 20,000 से लेकर 25 या फिर 28,000 तक हो सकता है। बट सिंगल कोट में आपको जल्दी से मिलेगा नहीं, क्योंकि ये रेयर केस है तो इनके प्राइस हमेशा हाई होता है। तो अब बात करते हैं शो क्वालिटी का मीनिंग क्या होता है। शो क्वालिटी का मीनिंग होता है कि जैसे कि कुछ डॉग शोज में अगर आप जा रहे हो या फिर चैम्पियन डॉग ब्रीड होती है उनका पपी आप ले रहे हो तो उनका प्राइस अलग होता है। जो शो क्वालिटी के डॉग ब्रीड होते हैं, जो आप चैम्पियन टाइप के डॉग ब्रीड बोल सकते हैं, उनका प्राइस हमेशा आपको दुगना देखने को मिलेगा चाहे कोई भी ब्रीड हो। तो ब्लैक जर्मन शेफर्ड की बात करें तो जो आपको शो क्वालिटी का प्राइस मेल में देखने को मिलेगा वो है 30,000 से लेकर 40 या 45,000 तक चला जाता है, और जो फीमेल होता है वो 25,000 से लेकर 35,000 या 40,000 तक भी जा सकता है। उसमें फीमेल का प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि वो चैम्पियन ब्रीड होती है, तो उसके पपीज आएंगे तो उसका भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए फीमेल का प्राइस हमेशा हाई भी आपको देखने को मिलेगा। अब आपको एक बात जान के रखना है कि जैसे कि कोई भी अगर आप जर्मन शेफर्ड ले रहे हो तो उसकी प्योरिटी आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैक ले रहे हो तो आपको सस्ते में मिल रहा है तो आप ले लोगे, क्योंकि कभी कभार कोई ब्रीडर या डॉग शॉप वाले उसको कलर लगा के भी सेल कर देते हैं, तो वो आपको ज़रूर से चेक करना है कलर है कि नहीं, वो आप क्वालिटी आप ज़रूर से चेक करना है, उसके मदर फादर को आपको ज़रूर से चेक करना है। और कभी भी ध्यान रखना, इन डॉग ब्रीड का प्राइस हमेशा कम देखने को नहीं मिल रहेगा। अगर आपको कोई भी एकदम कम प्राइस में दे रहा है, चीप प्राइस में दे रहा है, तो देखना आप सावधान रहिएगा, क्योंकि कम प्राइस में आपको ये डॉग ब्रीड जल्दी से मिलेंगे नहीं। तो अब बात करते हैं हम वाइट जर्मन शेफर्ड के प्राइस के बारे में। तो जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रेयर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वेदर में इतने अच्छे से वो नहीं रह पाते तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ आती है उनको, बट उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाईली होता है। उनका प्राइस 30,000 से चालू होकर 50,000 या 60,000 तक भी जा सकता है, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। बाहर की कंट्री में इन डॉग ब्रीड को रखते हैं, ठंडे एरिया में वहाँ पर इन डॉग ब्रीड को काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, बट इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा रेयर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो आपको ब्लैक और टेन कलर के जो डॉग ब्रीड देखने को मिलेंगे। और गाइस, इनका जो प्राइस होता है वो कम आपको जब देखने को मिलता है जो ठंडी का सीज़न होता है, यानी अभी से लेके फेब्रुआरी या मार्च तक आपको काफ़ी ज़्यादा पपी देखने को मिलते हैं। तो इस ऐसे टाइम में आपको कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये फ़ायदा हो सकता है, कम पैसे में आपको मिलेगा। बट जैसे ये समर चालू हो जाता है तो पपी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, तो पपी का प्राइस जो नॉर्मल होता है उससे 3 से 4 हज़ार रुपये कॉस्टली हो जाता है, तो आपको वहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एक ब्लैक जर्मन शेफर्ड लेना है तो आप ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आपको डॉग शोज में ले जाना है तो वहाँ पे भी आप उन डॉग ब्रीड को ले जा सकते हैं, या फिर घर पे आपको नॉर्मल डॉग की तरह रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। तो गाइस, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कैसे करना, और जर्मन शेफर्ड का डाइट प्लान, उनकी केयर कैसे करना है, सब कुछ वीडियो आपको हमारे चैनल के अंदर मिल जाएगी, तो वो भी वीडियो आप जरूर से देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।